हे गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान अमन। आज हम सीखने वाले हैं पॉलिनोमियल्स चैप्टर की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सलूशन हमने पिछली वीडियोस में कर लिए हैं, आप वो वीडियोस देख सकते हो। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। क्वेश्चन कहता है कि अगर x माइनस 1 एक फैक्टर है, ये जो पॉलिनोमियल्स गिवन है, ये क्वेश्चन में 4 पॉलिनोमियल्स गिवन है आपको। अब किसी चीज़ के फैक्टर होने का मतलब होता है अगर डिविडेंड डिवाइजर के साथ पूरा पूरा डिवाइड हो जाए और जो रिमाइंडर है आपका वो हमेशा 0 आए। फॉर एग्जांपल 2 इज अ फैक्टर ऑफ 10, 10 2 के साथ पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, जैसे कि 2 5 जा 10 होता है, पूरा पूरा डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर आपका 0 आता है। सिमिलरली 3 इज अ फैक्टर ऑफ 15, 6 इज अ फैक्टर ऑफ 60 कह सकते हो आप। सो जैसे हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं, पूरा पूरा डिवाइड होने के बाद अगर आपका जो रिमाइंडर है वो 0 आता है, तो हम कह सकते हैं कि जो छोटा वाला नंबर है वो बड़े वाले नंबर का एक फैक्टर है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम वो देखते हैं। तो अभी इस क्वेश्चन में हमको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो k की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करनी है चलिए वो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, p ऑफ x है x स्क्वायर प्लस x प्लस k। ओके जी, हमारे पास जो फैक्टर है वो क्या है, x माइनस 1 फैक्टर है। ओके, सबसे पहले हमको x माइनस 1 की 0 फाइंड आउट करनी होती है, 0 ऑफ x माइनस 1। इसके लिए क्या करना होगा, x माइनस 1 को we have to put x minus 1 equals to 0। अब x की वैल्यू क्या आएगी, राम के घर में नेगेटिव, शाम के घर में जाके पॉजिटिव, तो x is equals to कितना आ गया, 1। अभी ये हो गया x is equals to 1। ये जो सारे के सारे पॉलिनोमियल्स हैं, जितने भी अभी इस पार्ट में जो क्वेश्चंस हैं, आपको x की वैल्यू 1 पुट करते जाना है और k की वैल्यू फाइंड आउट करते रहना है, बहुत ईजी है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ओके जी, तो अभी पुट करो, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ ये वाला है, इसमें पुट करो, x इज इक्वल टू 1 है तो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। अभी हमको पता है कि x का एक फैक्टर है, x माइनस 1 इसका फैक्टर है, और जब x की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तब ये पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, अल्टीमेटली तब ये पॉलिनोमियल बन जाएगा इज इक्वल्स टू 0। वेरी गुड, तो x की वैल्यू 1 पुट करने के बाद ये जो पॉलिनोमियल है वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इसलिए हमको पहले ही पता है कि ये 0 बनने वाला है, तो उसी वजह से हम इसको 0 की इक्वल कर सकते हैं। ये लो, हमने 0 की इक्वल कर दिया, 1 स्क्वायर 1 होता है प्लस 1, 1 का 1 ही रहेगा, प्लस k इज इक्वल्स टू 0, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस k इज इक्वल्स टू 0, सो k विल बी इक्वल्स टू, ये ऊपर इधर पॉजिटिव है उधर जाके माइनस हो जाएगा, सो नेगेटिव हो गया, k इज इक्वल्स टू माइनस 2। फर्स्ट आपका आंसर आ गया k इज इक्वल्स टू माइनस 2। ओके, तो सेकेंड पार्ट है, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x square plus kx plus under root 2। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हमको पता है कि हमको x is equals to 1 ही पुट करना है, क्योंकि ये पूरी स्टेटमेंट का कॉमन पार्ट है, ये पूरी स्टेटमेंट का कॉमन फैक्टर है, तो हमको x is equals to 1 ही पुट करना है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब यहाँ पे p of x है, हम फाइंड आउट करेंगे p of 1, क्योंकि x की वैल्यू हम क्या करेंगे, x की जगह यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, 2 1 square plus k into 1 प्लस अंडर रूट 2। ओके जी, 2 1 स्क्वायर बेटा 1 ही होता है, k वंस आर k, एनीथिंग मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू सेम थिंग, प्लस 2, 2 वंस आर 2 प्लस k प्लस अंडर रूट 2। हमको पता है कि ये वैल्यू 1 पुट करने के बाद ये पॉलिनोमियल 0 बनने वाला है, इसलिए हमको इसको 0 की कॉल कर देंगे। k इज इक्वल्स टू, ये 2 और अंडर 2 का कोई कनेक्शन नहीं है, ये ना ऐड हो सकते हैं ना माइनस हो सकते हैं, कुछ भी नहीं हो सकते, ये भी जाएगा दूसरी साइड पे, अंडर रूट 2 गया तो माइनस अंडर रूट 2 बन जाएगा, 2 जाएगा तो ये भी माइनस 2 बन जाएगा। आपको यहीं पे ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख दो, नहीं तो आप कर सकते हो, दोनों में माइनस कॉमन है, माइनस कॉमन निकालने के बाद आप अंडर रूट 2, ये साइन अगर माइनस बाहर चला गया तो अंदर क्या बच गया, प्लस। आपको ऐसे भी करना है, ऐसे भी कर सकते हो, अगर यहाँ तक ही करना है तो ये भी चलेगा, लेकिन अगर आपको आगे एक और स्टेप करना है तो ये कर सकते हो आप, इसमें अच्छा लगेगा। ओके जी,
अभी हम देखते हैं थर्ड पार्ट। ओके, तो थर्ड पार्ट है p ऑफ x इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x प्लस 1। यहाँ पे भी x इज इक्वल्स टू 1 ही पुट करना है, सो ये बन जाएगा p ऑफ x की जगह p ऑफ 1 पुट k x की जगह 1 वन स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 इंटू 1 प्लस 1 एज इट इज। वन स्क्वायर वन होता है, अंडर रूट टू वन आर अंडर रूट टू प्लस वन, के वन आर के माइनस अंडर रूट टू प्लस वन, सो के इज इक्वल्स टू, ये वाला नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और ये जो पॉजिटिव है उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आंसर है आपका, के इज इक्वल्स टू अंडर टू माइनस वन। नाउ मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो लास्ट पार्ट है के एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस के। सोल्यूशन वही रहेगा, x इज इक्वल्स टू वन, पी ऑफ वन विल बी इक्वल्स टू के वन स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन प्लस के, वन स्क्वायर वन ही होगा, थ्री वन आर थ्री प्लस के, के वन आर के माइनस थ्री प्लस के। अब बेटा देखो, वन एप्पल और कह सकते हो वन काइट प्लस वन काइट, टू काइट्स, टू काइट्स माइनस थ्री इज इक्वल्स टू, इसको क्या करना पड़ेगा, जीरो के इक्वल पुट करना पड़ेगा। अब बेटा देखो, वन काइट प्लस वन काइट, टू काइट्स, टू काइट्स माइनस थ्री इज इक्वल्स टू क्या करना पड़ेगा, जीरो के इक्वल पुट करना पड़ेगा। टू के एज इट इज, ये थ्री उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा यानी कि थ्री हो जाएगा, और ये जो के है ये केला रहने के बाद टू नीचे चला जाएगा, सो के इज इक्वल्स टू थ्री बाय टू आंसर। सो इन चारों क्वेश्चन में हमने जो है वो k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। x माइनस वन जो था वो चारों पॉलीनोमियल्स का फैक्टर था, इसलिए हमने x की वैल्यू वन पुट करके k की वैल्यू फाइंड आउट। ओके, तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसे ही मैथ्स के जो चैप्टर वाइज सॉल्यूशन मिलते रहे। तब तक लिए बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।